नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी केस मस्जिद विध्वंस मामले में आज बुधवार को फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। न्यायाधीश ने साथ ही कहा कि यह विध्वंस सुनियोजित नहीं था। इस मामले में बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल के प्रमुख नेता लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत कुल 32 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। फैसला आने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा कि अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। यह सिद्ध करता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हुआ था वह अचानक हुआ था, कोई षड्यंत्र नहीं था। वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। आपको बता दें कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के दौर में बनी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढा दिया था। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और सैकड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 2 FIR दर्ज की गई थी। पहली इसे गिराने वाले कार सेवकों के खिलाफ, तो दूसरी बीजेपी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने रामकथा पार्क में मंच से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। दूसरी FIR में बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी, VHP के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया नामजद किए गए थे। पहला मामला सीबीआई का तो दूसरा मामला CBCID को सौंपा गया, जिसे बाद में एक साथ जोड़ते हुए सीबीआई ने संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े थे। साथ ही आरोप पत्र में बाला साहब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय, धर्मदास महंत, नृत्य गोपाल दास और कुछ अन्य लोगों के नाम जोड़े गए हैं। यहां आपको बताते चले कि इसी महीने की 2 तारीख को इस मुकदमे में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी जीवित अभियुक्तों के बयान दर्ज करके मामले में सभी अदालती कार्यवाही पूरी कर ली थी। तब अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। सुनवाई पूरी होने तक कुल मिलाकर इस मामले में सीबीआई ने अपने पक्ष में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेज पेश किए। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से केवल 32 फैसले के दिन तक जीवित हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि 28 वर्ष पुराने इस आपराधिक मुकदमे की सुनवाई की स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने की। 5 साल पहले उन्हें इस मुकदमे में विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पखानपुर गांव के रामकृष्ण यादव के घर पैदा हुए सुरेंद्र कुमार यादव 31 बरस की उम्र में राज्य न्यायिक सेवा के लिए चुने गए थे। वहीं अदालत के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शासन प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए थे। आपको बता दें कि अयोध्या में 28 साल पहले बाबरी मस्जिद ढाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शाहबाद क्षेत्र का भ्रमण किया और मौजूद लोगों से बातचीत भी की थी। 28 वर्ष से चले इस मामले में कई अभियुक्तों की मौत हो चुकी है और कई अभी तक जीवित हैं, जिनका नाम
लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जय भगवान पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह गुज्जर, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और आर एन श्रीवास्तव हैं। वहीं 17 अभियुक्त जो कि मृतक हो गए हैं, उनका नाम है अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे, विजय राजे सिंधिया, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैधनाथ, परमहंस दास चंद्र दास, मोरेश्वर सावे, लक्ष्मी नारायण दास, विनोद कुमार वत्स, राम नारायण दास, डीबी दास, रामेश प्रताप सिंह, हर गोविंद सिंह, बैकुंठ लाल शर्मा, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज और डॉक्टर सतीश नागर हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। साथ ही आज हमारी सेक्टर स्क्रीन लागू है जनपद में, विशेषकर शाहबाद क्षेत्र में भी, तो सेंसिटिव एरिया मानते हुए हमने यहाँ रिजर्व फोर्स रखी है। सभी हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हों, चाहे पुलिस अफसर हों, लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स के साथ पूरी तरीके से इक्विप्ड होकर पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। साथ ही जो सफरान लोग हैं और जो समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, जो समाज लोग हैं, उन लोगों से हमारा संवाद बना हुआ है, उन लोगों से इंश्योरेंस है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम आपके माध्यम से जनता को ये अपील करते हैं कि पूरा जनपद में शांति व्यवस्था। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेस फॉर यू पॉलिटिकली। आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खून रेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए, और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती,
ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, कैसा ये फैसले पे आज आप आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वॉयलेंस पेज, मास वॉयलेंस पेज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।